हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर ये देख सकते हैं, ये या करते हैं, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक बना हुआ है डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट इसमें फेल है, ग्रेड कैलकुलेट हुआ है, देख सकते हैं। यहां पर फेल्ड स्टूडेंट को हमें हाईलाइट करना है। अब ये तो बड़ी छोटी सी रेंज है, आप यहां से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं थोड़ा येलो कलर में जल्दी आसानी से दिखाई पड़ता है तो ये येलो कलर लगा दिया हमने। और हर बार येलो कलर लगाने के बजाय आप लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया उसके लिए आप एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया उसके लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये लास्ट एक्शन इस पे परफॉर्म हो गया, देख सकते हैं यहां पे, देख लीजिए यहां पे सी ग्रेड है। आप कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अभी देखिए फिर ये देखिए, ये जो लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसको मैं वापस से परफॉर्म करता हूं, इसको सेलेक्ट किया और इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये येलो हो गया। अब मान लीजिए इस पे भी यही एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो ये लास्ट एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपने लास्ट में बैकग्राउंड येलो किया था तो ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें एक साथ करना है तो एक साथ करने का तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, एक को सेलेक्ट किया, अब यहां से कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरे को भी सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके तीसरे को भी सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल बटन प्रेस किए रहिए और चौथे को भी सेलेक्ट कर जाइए। इस तरीके से सबको आपने सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल बटन को छोड़ दीजिए और यहां से F4 प्रेस कर दीजिए, एक साथ सारा जो है डेटा हाईलाइट हो गया, ठीक है। आप जो भी कलर लेके आना चाहते हैं इनके लिए लेके आ सकते हैं एकदम इजीली। तो ये लास्ट एक्शन को परफॉर्म करने का शॉर्टकट की कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।